बिहार के सरकारी स्कूलों में जहां के पाठक मुख्य शिक्षा के अपर सचिव के पाठक जब स्कूल में पहुंच रहे हैं वहां पे शिक्षकों की प्रधानाचार्यों की अनुपस्थिति देख रहे हैं तब उनके वेतन काट दिए जा रहे हैं। सीधे आदेश देते हैं डीओ साहब तनख्वाह काटिए। लेकिन आज जब नीतीश कुमार सुबह सुबह 9:30 बजे विकास भवन और उसके बाद विश्वेश्वरैया भवन में पहुँचते हैं तब कई अधिकारी नाराज मिलते हैं। खुद के पाठक जो मुख्य शिक्षा पर सचिव हैं और उनके साथ ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव अपने अपने ऑफिस में अनुपस्थित हैं, जिसको देखकर नीतीश कुमार इशारा करते हैं और कहते हैं कि देखिए 9:30 बज रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। बिहार बदल रहा है ऐसा कहा जाता है सरकार की तरफ से और इस बिहार को बदलने के लिए नीतीश कुमार पूरे जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब शिक्षा विभाग को बदलने के लिए उन्होंने के पाठक को लगाया है कि उपस्थिति देखिए, हाजिरी देखिए, तब खुद शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर सचिव खुद अपनी हाजिरी के लिए इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो गए हैं? सवाल अब सोशल मीडिया पर लगातार लोग प्रतिक्रिया देके पूछ रहे हैं कि जो दूसरों की तनख्वाह काटते हैं क्या नीतीश कुमार इस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल खबर यही है कि सुबह सुबह आज पिछले छह दिन पहले भी सचिवालय में नीतीश कुमार अचानक रेड मारने पहुंचे थे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। सभी अधिकारी जैसे तैसे ऑफिस पहुंचे थे। एक बार फिर से आज विकास भवन में और उसके बाद विश्वेश्वरैया भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद रेड मारने पहुंच गए। सबके केबिन में जाकर देखा है कि क्या कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है, और उसमें कई अधिकारी कई मंत्री उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज थे और शायद अब वो फिर से सबकी क्लास लगाएंगे। आपको बता दें कि 18 साल बाद नीतीश कुमार फिर से उसी तेवर में नजर आ रहे हैं, उसी रंग में नजर आ रहे हैं और जाकर दफ्तरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। औचक निरीक्षण शब्द काफी शायद पुराना हो गया था, जो अब फिर से एक बार सरगर्मियों में है, रेड मार रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आज भी एक्टिव है, जनता में उनका भरोसा बना रहे, अधिकारियों में उनका डर बना रहे। इसको वो बार बार स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने गतिविधियों से, अपनी एक्टिविटी से, लेकिन इसका असर कितना होगा वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको हम फिर से बता दें कि जब आज सुबह नीतीश कुमार 9:30 बजे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार ऑटोमेशन कर रहे हैं, किस तरह से अफरा तफरी मची है, अधिकारी भागे भागे पहुंच रहे हैं, खुद चंद्रशेखर यादव जो है शिक्षा मंत्री वो पहुंचे, उसके बाद आपके अनिता सिंह मंत्री वो पहुंची, उसके बाद के पाठक तो अनुपस्थित थे, वो कहां थे पता नहीं। लेकिन ये सब सवाल है कि जो खुद दूसरे शिक्षकों के दूसरे स्कूल में पहुंच के इतनी कड़ाई से, इतनी शक्ति से नियमों का पालन करने की बात कहते हैं, वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण के बावजूद अपने दफ्तर में अनुपस्थित पाए जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद।